स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई आकाशगंगा को कौन से स्पेस ऑब्जर्वेटरी द्वारा खोजी गई है? ऑप्शन ए कार्टोसेट, ऑप्शन बी एस्ट्रोसेट, ऑप्शन सी INS-1A, ऑप्शन डी GSLV-9। देखिए, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड से दूर स्थित एक आकाशगंगा का पता लगाया है जिससे तीव्र परावैज्ञानिक प्रकाश निकलता है। यह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। खगोलविदों की यह सफलता एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह गर्व की बात है कि भारत की पहली मल्टी वेवलेट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा का पता लगा है जिससे तीव्र परावैज्ञानिक प्रकाश निकलता है। AUDFS-01 नामक इस आकाशगंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिशियन पुणे के डॉक्टर कनक साह के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की है। इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित किया गया है। IUCAA के निदेशक डॉक्टर सोमक रे ने कहा, यह खोज एक महत्वपूर्ण सुराग है जो इस बात यह बता सकता है कि ब्रह्मांड के अंधेरे युग कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में प्रकाश था। उन्होंने कहा कि हमें यह जानना चाहिए कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन प्रकाश के शुरुआती स्रोतों को खोजना बेहद कठिन है। बात करें एस्ट्रोसेट के बारे में, तो एस्ट्रोसेट खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है। इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को सोमवार सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के PSLV द्वारा किया गया। यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। यह एक ही समय में परावैज्ञानी ऑप्टिकल निम्न और उच्च ऊर्जा एक्सरे वेवगाइड में ब्रह्मांड की निगरानी में सक्षम है। इसमें 5 उपकरण अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपेशनल काउंटर स्पोर्ट एक्सरे टेलीस्कोप, मेडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर और स्कैनिंग स्काई मॉनिटर लगे हुए हैं। इसका भार 1513 किलोग्राम है और इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली कलाकृति वॉयसेस को किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन सी गगेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी MF हुसैन। देखिए, दिवंगत चित्रकार MF हुसैन की कलाकृति वॉयसेस एक ऑनलाइन नीलामी में 18.47 करोड़ रुपए में बिकी। सार्वजनिक बिक्री में किसी भी कलाकृति की कृति को यह अभी तक की सबसे ऊंची कीमत है। अगस्ता गुरु ने यह नीलामी आयोजित की थी। 1950 के आसपास कलाकार ने अपने करियर में महत्वपूर्ण चरण के दौरान यह उत्कृष्ट कृति लॉट 14 तैयार की थी। उस समय तक वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके थे और कला और दर्शन के लिहाज से दुनिया के रंगमंच पर उन्हें भरपूर प्रचार मिल चुका था। उनकी यह कृति 1950 के आसपास की बेहतरीन कृति मानी जाती है। चित्रकार की कृतियों की 2 दिनों तक चली आस्था गुरु की ऑनलाइन नीलामी में एक अज्ञात खरीदार ने बोली लगाई है। आस्था गुरु ने इस नीलामी में कलाकार की कृतियों के 36 लॉट को शामिल किया था। सोलो कलाकार नीलामी ने कुल 55,92,85,421 रुपए की बिक्री राजस्व अर्जित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी MF हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संपन्न हुए इंद्र युद्धवास भारत और कौन से सहयोगी देश के मध्य आयोजित हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कवकाज 2020 में शामिल न होने के निर्णय के पश्चात जल्द ही भारतीय नौसेना शुरू रूस की नौसेना के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन हुआ। यह युद्धाभ्यास कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के पश्चात पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इससे पूर्व व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाला इंद्र 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक महामारी को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। बात करें इंद्र युद्धाभ्यास के बारे में, तो इंद्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत 2015
2003 में हुई थी और भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर मई 2003 में पहले भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। वर्ष 2017 में रूस के वाल्दिवोस्तक में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों देशों की थल, वायु एवं जल सेनाओं ने भाग लिया। 4 और 5 सितंबर 2020 को आयोजित होने हुआ इंद्र द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास में रूस की नौसैनिक की ओर से 3 नौसैनिक जहाज हिस्सा लिए। वहीं भारत की ओर से इस अभ्यास में कुछ नौसैनिक जहाज और विमान हिस्सा लिए। इंद्र 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के हिस्से के रूप में उड़ान भरने, सतह और हवाई लक्ष्यों पर गन फायरिंग और ट्रैकिंग आदि गतिविधियों के क्रियान्वयन की योजना बनाई गई थी। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभव और सैन्य तकनीक को साझा करना है। इसके अलावा यह सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत अपने समावेशी इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट के सिद्धांत के आधार पर भारत प्रशांत क्षेत्र में रूस के साथ एक साझेदारी विकसित करने का इच्छुक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेंगोंग झील के दक्षिण छोर पर सेना के साथ मिलकर चीन को धूल चटाने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किस वर्ष और कौन से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1962 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी 1965 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी 1977 मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी 1967 इंदिरा गांधी। देखिए, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेंगोंग झील के दक्षिण छोर पर सेना के साथ मिलकर चीन को धूल चटाने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को दुश्मन के इलाके में तेजी से वार करने में माहिर माना जाता है। विकास रेजिमेंट के नाम से भी जानी जाने वाली SFF सेना नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी रॉ के तहत काम करती है। इसके अधिकारी सेना के होते हैं और जवान खास वजहों से तिब्बत के शरणार्थियों में से चुने जाते हैं। इस रेजिमेंट का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को स्पेशल ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में SFF की अहम भूमिका थी। इस फोर्स को अक्सर एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1962 पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका चीन को घेरने के लिए नाटो जैसा गठबंधन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह गठबंधन अमेरिका कौन से मित्र देशों के सहयोग से मिलकर बनाएगा? ऑप्शन ए ब्राजील, जापान और स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्वीडन, न्यूजीलैंड और ब्राजील, ऑप्शन डी जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका नेतृत्व में नाटो ने मोर्चा संभाला था, उसी तर्ज पर अब चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्वेड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम का गठबंधन ठोस आकार लेने लगा है। क्वेड के विदेश मंत्रालयों के बीच अब साप्ताहिक स्तर पर बातचीत हो रही है, जिसमें इन चार देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, वियतनाम व न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं। यही नहीं, क्वेड के चारों देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में एक अहम बैठक जल्द आयोजित करने की भी तैयारी है। यह सब जानकारी अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन वॉगन ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के एक संवाद के दौरान दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुनः सुर्खियों में रही व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका सार्ली आब्दो कौन से देश से संबंधित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, फ्रांस की व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका सार्ली आब्दो पैगंबर मोहम्मद की विवादित कार्टून फिर छाप रही है। इस पत्रिका ने 2006 में भी मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून प्रकाशित किया था, जिसके बाद 2015 में आतंकियों ने उसके दफ्तर पर हमला किया था। इस मामले में बुधवार से सुनवाई शुरू हो रही है। इसी को देखते हुए पत्रिका ने कार्टून को फिर से छापने का फैसला किया। सार्ली आब्दो के नवीनतम अंक के दर्जनों कार्टूनों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून भी शामिल है। इसकी हेडिंग यह सब उसके लिए दी गई है। नए अंक का प्रकाशन बुधवार को होगा। प्रकाशित के संपादक लॉरेंट रीस सोरियस ने एक नोट में कहा है कि इतिहास को न तो दोबारा लिखा जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किरण नामक हेल्पलाइन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को राहत
और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह विभाग कौन से मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने घोषणा की है कि 24x7 निःशुल्क सामाजिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर किरण का 7 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। किरण के बारे में बात करें तो किरण नामक इस हेल्पलाइन को भारतीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया है। यह हेल्पलाइन नंबर प्रारंभिक स्क्रीनिंग, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने आदि के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं की पेशकश करता है। यह प्राथमिक चरण में सलाह प्रदान करने, परामर्श व्यक्तियों, परिवारों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावक संघों, व्यवसायिक संघों, पुनर्वास संस्थानों, अस्पतालों या किसी को भी देश भर में सहायता की आवश्यकता के संदर्भ में एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगा। किरण हेल्पलाइन 13 भाषाओं में किसी भी एक व्यक्ति, परिवार, एनजीओ, डीपीओ, अभिभावक संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन, पुनर्वास केंद्र, अस्पताल के साथ ही साथ लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, 8 उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज और लक्षद्वीप सहित पूरे देश में जरूरत में पड़े किसी के लिए भी उपलब्ध होगा। प्रति घंटे 300 लोगों को संभालने की क्षमता के साथ 660 वॉलंटियर्स नैदानिक और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, 668 वॉलंटियर मनोचिकित्सक के साथ साथ 75 विशेषज्ञ हेल्पलाइन के 25 केंद्रों में शामिल किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सिविल राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए कर्मनिष्ठा, ऑप्शन बी कर्मयोगी, ऑप्शन सी कर्तव्य परायण, ऑप्शन डी सत्यनिष्ठा। देखिए, मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास के कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। इन सुधारों से सिविल सेवा कर्मचारियों को अपनी क्षमता के सतत विकास का मौका मिलेगा और सरकार को बदली जरूरत के मुताबिक जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकार मिल जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। देश विदेश के विशेषज्ञ इस परिषद के सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद की सहायता के लिए एक क्षमता विकास आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए सालाना योजना बनाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रहे ट्रेनिंग सेंटरों की निगरानी भी इस आयोग के पास ही होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मयोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में कौन सी एक नई भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी कश्मीरी। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी को राज्य भाषा का दर्जा मिलेगा। पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डोंगरी वो हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया गया। पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार संसद के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कश्मीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिविल सेवा कर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने के लिए किस नाम से विशेष एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मिशन सत्यनिष्ठा, ऑप्शन बी माई गोट कर्मयोगी, ऑप्शन सी आई गोट कर्मयोगी, ऑप्शन डी सिविल वॉरियर्स। देखिए, देश के 2 करोड़ से अधिक सिविल सेवा कर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए आई गोट कर्मयोगी नाम से विशेष एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस बार देश दुनिया को बेहतरीन प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म पर इच्छानुसार प्रशिक्षण सामग्री चुनकर अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं। उनको क्षमता को मापने के लिए टेस्ट की भी सुविधा है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने का काम एक कंपनी करेगी जिसे विशेष प्रयोजन व्हीकल कहा गया है। SPV कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए 432 रुपए सालाना फीस लेगी। विभाग खुद भी कर्मियों की ओर से फीस दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आई गॉट कर्मयोगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।